अब आपके शहर सिरसा में ओल्ड कोट कॉलोनी रोड पर खुल गई है आपकी पसंदीदा दुकान श्री बालाजी स्कूल बडीज। हमारे पास सिरसा के रिप्यूटेड स्कूल जैसे कि रजिंद्रा, डीपीएस, जीडी गोयनका, सेंट जेवियर, बीआर ग्लोबल, सावन, सतलुज, डीएवी, रजिंद्रा, दा सिरसा इत्यादि स्कूलों की ड्रेसें उचित दामों पर उपलब्ध हैं। उम्दा क्वालिटी ही हमारी दुकान की पहचान है। इसी के साथ साथ बच्चों की स्कूल एक्सेसरीज जैसे कि टाई, बेल्ट, टिफिन, बॉटल आदि भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के रोड की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इस रोड को बैरिगेट्स लगा करके बंद कर दिया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को लेकर के जो ज़िले में जो है सुरक्षा है चाक चौबंद कर दी गई हैं। और इस बार क्योंकि यहाँ पे एक साथ चार बड़े कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, जिन कार्यक्रमों को लेकर के प्रशासन और पुलिस भी जो है पूरी सतर्कता बरत रही है और जो है बड़ी चेतावनी, बड़ी ये कह सकता हूँ कि बड़ी चुनौती होगी प्रशासन को इन चारों ही कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर के। क्योंकि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है, जो इवेंट होता है, वो इस बाबा भूमन शाह चौक से थोड़ी ही दूर यानी 100 मीटर दूर पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मनाया जाता है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। तो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो प्रशासन है वो पुलिस लाइन में कर रहा है, यानी कि पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस को जो है हिसार के कमिश्नर जो है आयुक्त हैं वो ध्वजारोहण करेंगे पुलिस लाइन में। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि किसानों ने भी कार्यक्रम रखा हुआ है। किसान है वो ट्रैक्टर और बाइक्स पे जो है तिरंगा यात्रा निकालेंगे और अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा होती हुई, चाहे हम नाथूश्री चोपटा की बात करें, चाहे हम रानिया की बात करें, चाहे हम जो है कालांवाली की बात करें, ओड्डा की बात करें, तो वहाँ से तिरंगा यात्रा होते जो है पक्का मोर्चा यानी शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुँचेगी और वहाँ पर किसान है वो ध्वजारोहण करेंगे। और इसके साथ साथ जो भावदीन टोल प्लाजा है उन्होंने भी जो आह्वान किया हुआ है कि गांव पंजुआना में जो किसानों का मोर्चा चल रहा है यानी कि लंगर सेवा जो चल रही है, वहाँ पे सभी किसान हैं वो एकत्रित होंगे और वहाँ से बाइक्स और ट्रैक्टर के माध्यम से जो है तिरंगा यात्रा सिरसा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई फ्लाई ओवर और उसके बाद जो है भावदीन टोल प्लाजा पर जाकर के संपन्न होगी। जो किसान हैं भावदीन टोल प्लाजा पर जो है तिरंगा फहराएंगे। तो इस तरह से दो बड़े कार्यक्रम हैं वो किसानों के भी आयोजित होंगे, इसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी तिरंगा यात्रा रखी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि बाबा भूमन शाह चौक से दूसरी साइड जब हम आपको दिखाते हैं कि डब्बाली रोड की तरफ ये जो रोड जाता है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से ठीक थोड़ा आगे दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एकत्रित होंगे और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और वहाँ से तिरंगा यात्रा निकलते हुए जो है यहाँ से बाबा भूमन शाह चौक से होती हुई शहर में जाएगी। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है, किसान भी निकाल रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ डेरा सच्चा सौदा में भी 15 अगस्त को लेकर के बड़ा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो अगला कार्यक्रम है वो डेरा सच्चा सौदा में भी हो रहा है, जहाँ पे डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु हैं वो अपने जो श्रद्धालुओं को पौधारोपण करने की अपील कर रहे हैं और वहाँ पे भी जो है सत्संग कार्यक्रम होगा। हालांकि प्रशासन ने उनको ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 2000 लोगों को सत्संग में शामिल होने की परमिशन है वो प्रशासन ने दी है और कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वो जो है डेरा सच्चा सौदा के जो श्रद्धालु हैं उनको पालन उनका करना होगा। लेकिन इस तरह से पांच बड़े इवेंट हैं वो सिरसा में आयोजित होने जा रहे हैं कल। तो सीधे तौर पर जो रूट दिया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी को जो रूट दिया हुआ है तिरंगा यात्रा का, वो यही रूट है। इसी रोड से जो है बाबा भूमन शाह चौक है उनका केंद्र रहेगा और इस तरह से जो किसान हैं वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जाएंगे और वहाँ पे भी ये जो है बाबा भूमन शाह जी चौक है वो यहाँ पे केंद्र रह सकता है, यानी कि रूट्स है वो सेम हैं और कहीं टकराव की स्थिति पैदा ना हो जाए इसको लेकर के जो कल है सिरसा में चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो तैनात है, वो की जाएगी
और पूरी सतर्कता बरती जाएगी। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन हैं, उनकी दूसरी बार ये बड़ी परीक्षा होगी। इससे पहले जहां किसानों ने बड़ी महापंचायत की थी और उसके बाद जो है लघु सचिवालय के घेराव को लेकर के उन्होंने कार्यक्रम रखा था, लेकिन जो है सुरक्षा बलों ने यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स ने जो है लघु सचिवालय है उसके गेट के बाहर बड़ा जो है वो है कंटीली तारें और जो तमाम जो बड़ा पहरा है वो लगा दिया था। हालांकि घेराव नहीं हो पाया था, किसान है वहीं मोर्चा लगा दिया था किसानों ने। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बार जो है पुलिस की बड़ी परीक्षा होने जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का जो रोड है वो पूरी तरह से दोनों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है और जो है बैरिगेट्स लगा करके, बैरिगेट्स पर लोहे की जंजीरें लगा करके इस रोड्स को बंद कर दिया गया है। और एक साथ पाँच है वो बड़े इवेंट हैं वो होने जा रहे हैं। जहाँ पे कल स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा, वहीं किसानों की जो है तिरंगा यात्रा निकलेगी, वहीं किसानों के जो टोल प्लाजा है वहाँ पे भी एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जो है डेरा सच्चा सौदा में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस तरह से पांच बड़े इवेंट्स हैं, पांच बड़े ये कहूँगा कि कार्यक्रम है वो कल 15 अगस्त के दिन है वो आयोजित किए जाएंगे। उनकी पल पल की जानकारी भी हम आपको दिखाएंगे। रूट सेम है तो टकराव ना हो जाए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा है किसानों को कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है उसका विरोध ना करें, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे कारण ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि किसान उनका विरोध करे और जब वो तिरंगे का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठेंगे। तो इसको लेकर के किसान है वो भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं और खुद है वो तिरंगा यात्रा कल 15 अगस्त को निकालेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया हुआ है कि किसान है वो दिल्ली की सीमा में तिरंगा फैलाएंगे। तो इसको लेकर के हरियाणा में और ये कहूँगा कि सिरसा ज़िले में जहाँ पाँच बड़े इवेंट्स हैं एक साथ होने जा रहे हैं उसको लेकर के भी सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।